फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए। एएलपी और एलपी असिस्टेंट एलपी कैप्टन के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को ये नोटिस जारी की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितनी वैकेंसी डिटेल है, क्या है यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी 1306 पोस्ट हैं, और लोको पायलट का जो पोस्ट है 1306 ये भी है, और लोको इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है 86 यानी कि 86 है। क्रू काउंसलर सॉरी कंट्रोलर का जो आपका पोस्ट है 70, यानी कि टोटल पोस्ट जो आपका है वो है आपका 2768, यानी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारे डिटेल यहाँ पे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं पे स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट, यानी जो पे स्ट्रक्चर है एएलपी यानी कि लोको पायलट एंड सीनियर एएलपी यानी कि सीनियर लोको पायलट का जो पे स्ट्रक्चर है, जिनकी वैकेंसी आपका 1306 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि लेवल एंड पे स्केल N5 यानी 25,000 से 68,000 के बीच, N6 यानी 28,000 से 80,000 के बीच, और N7 यानी कि 29,000 से 91,000 के बीच। ये 29,000 N7 जो है वो जूनियर कैप्टन के लिए, और कैप्टन के लिए E0 यानी कि 30,000 से 12,000 और सॉरी 1,20,000 के बीच, एंड सीनियर कैप्टन के लिए 40,000 से 1,40,000 के बीच है। तो आपका ये है। अब ये थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑफ द पोस्ट। तो ये आपका कह रहा है कि ओपन रिक्वायरमेंट विल द डन ओनली एट वन लेवल N5, यानी कि जो ओपन रिक्वायरमेंट है वो N5 द्वारा यानी 25,000 से 68,000 के बीच डन होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अभी यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज, चार कॉलम दिए हैं। पहले कैटेगरी में आप देख सकते हैं एएलपी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड में आप A1 देख सकते हैं। अब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है, मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। आपका मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th प्लस ITI होना चाहिए, या फिर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड ऑफ द फार्मर एंड क्वाइल विनर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फिटर हीट इंजीनियर हीट इंजन एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मशीनिस्ट मैकेनिक डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड टीवी एंड रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, आपका ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, यहाँ पे आपका टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्टेटमेंट ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसप्लिन, यानी कि आपको अगर ITI किए हैं तो आपको यहाँ पे जो पोस्ट दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं ब्रांच, इन ब्रांच से ITI होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिस होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 ईयर डिप्लोमा, तो आपको डिप्लोमा आप या तो मैकेनिकल से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक से किए हो, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि इनमें से किसी एक से भी एक ट्रेड से भी आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए यूजफुल होगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोट में भी लिखा है डिग्री इज इंजीनियरिंग इन लीव ऑफ डिप्लोमा विल ऑल्सो भी एक्सेप्टेबल, यानी कि इंजीनियरिंग का डिग्री है तो भी एक्सेप्टेबल होगा। अगर बात कर लें एज की तो यहाँ पे एज आप देख सकते हैं 18 से 30 साल के बीच में दिया गया है, और रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन सेरेमनी लेयर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे ये थी एज और क्वालिफिकेशन की बात। यहाँ पे अगर बात कर ले प्रमोशन की तो प्रमोशन यहाँ पे देख लीजिए आपका N5 N6 ग्रेड है, तो ALP या फिर सीनियर ALP है तो 3 साल में प्रमोशन, ALP से सीनियर ALP में 3 साल में प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है। N6 से N7 यानी कि सीनियर ALP से जूनियर कैप्टन में भी प्रमोशन आपका 3 साल के बीच होगा,
और आप N7 यानी से E0 यानी कि जूनियर कैप्टन से कैप्टन में प्रमोशन भी आपको 3 साल का होगा। यानी कि जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करते हैं और फिर आपका प्रमोशन हो जाता है। आप E0 से E1 यानी कि कैप्टन से आप सीनियर कैप्टन में जो प्रमोट होंगे उसकी ड्यूरेशन है वो 4 साल है। यानी कि 4 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप प्रमोशन कर सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स थी, क्या है सेलेक्शन प्रोसेस और क्या है सारी डिटेल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।